वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल। मैं आपको लंबे समय से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और आई होप कि आप अच्छे से घर पर पढ़ भी रहे हैं और टाइम टाइम पर जो है अपना रिवीजन वर्क भी आप कंटिन्यू रख रहे हैं। मैं अब तक आपको पढ़ा रहा था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में मैंने आपको चार प्रकार के बेसिक फाउंडेशन के सेंटेंसेस बताए थे कि किस प्रकार सेंटेंस पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। आज मैं उनको फिर से आपको थोड़ा रिव्यू दे दूं ताकि आप बहुत अच्छे से समझ जाएं उनको। तो आज मैं बात कर रहा हूं इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब सबसे पहले स्ट्रक्चर, जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो भी आप लगा रहे हैं, और उसके बाद में आप चाहें तो ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको ये बता रहा हूं। अब आपको नेगेटिव बनाना है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वही चाहे इज एम आर, वॉज वर, जो भी लगाएं आप, प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये दो स्ट्रक्चर तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए। तीसरी स्ट्रक्चर जो इंट्रोगेटिव है, पहले मैं इनकी हिंदी लिख देता हूं। इसको कहा जाता है सकारात्मक, इसको कहा जाता है नेगेटिव को नकारात्मक। बहुत बार अपन बोलते हैं कि नकारात्मक सोच है मतलब नेगेटिव सोच, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, और इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक। प्रश्नवाचक भी हो और उसके साथ साथ नकारात्मक भी हो, नकारात्मक भी हो, प्रश्नवाचक भी हो। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, नेगेटिव नकारात्मक, पॉजिटिव सकारात्मक। अब इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा आपने, पर सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में क्या भी लगा रहता है, इसमें नॉट भी लगा रहता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो सिंपली मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। आप बिल्कुल ऐसा मत मानिए कि आपकी जो है वो स्पीड ज़्यादा है, मैं लिख भले ही तेज रहा हूँ पर आपको एक्सप्लेन बड़ी बारी बारी से करूँगा मैं। सब्जेक्ट जो कार्य को करता है वो, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर कार्य होता है वो, हेल्पिंग वर्ब मतलब जो वर्ब की हेल्प कर, मेन वर्ब की हेल्प करता हो और टेंस को पहचानने में मदद करता हो। जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा ही इज अ स्टूडेंट, या मैं यहां पर लिख देता हूं ही इज अ टीचर, चाहे जैसा सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, देखिए यहां हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नॉट है, दिख रहा है आपको, मैं एक अलग इंक से आपको इसे बता देता हूं ताकि आपको आसानी हो, ये नॉट। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, ही इज नॉट अ टीचर, ये इसका नेगेटिव बना, ये नॉट जो है इसका पूरा नेगेटिव बना रहा है सेंटेंस को, ये नॉट। अब ये प्रश्न पूछना है कि क्या वह टीचर है, तो इज ही अ टीचर, और क्या वह टीचर नहीं है, तो इज ही नॉट अ टीचर, और ये आखिरी में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब सेंटेंस जो है वैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस में क्या होगा, आपको सेंटेंस को कन्वर्ट करना आना चाहिए। खास तौर पे मैं आज इस प्रैक्टिस को करवाने के लिए आया हूं आपके सामने, सेंटेंस को कन्वर्ट कैसे किया जाता है। कन्वर्ट दिया आपको, अगर पॉजिटिव है तो उसको आपको नेगेटिव में बदलना है। जैसे
convert the sentences into negative. मैं पहले नेगेटिव की प्रैक्टिसेस करवाना, पॉजिटिव दिया है आपको, नेगेटिव में बदलना. ही इज अ गुड बॉय, ये कौन सा सेंटेंस है? इसको कहा जाता है पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक है ये. इसको पॉजिटिव कहा जाता है, सकारात्मक. ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है. तो इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है आपको नेगेटिव में, तो नेगेटिव में करना है तो नॉट लगेगा, और नॉट कहाँ लगाना है? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में. तो ही इज नॉट अ गुड बॉय, तो ये बन गया इसका नेगेटिव सेंटेंस. तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंस को ले लीजिए और नेगेटिव बनाइए. तो बने रहे.